हेलो गाइस, मैं हूं कुसुम और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज मदर्स डे है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो आज की शुरुआत मैं कुछ मीठे से कर रही हूं। लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं सकते हैं, घर में हमने सोचा कुछ स्पेशल मदर्स डे मनाया जाए, तो मैंने मीठे से शुरुआत की है और मैंने बनाई है घर में जलेबियाँ। जलेबी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट ये घर में क्रिस्पी भी होती हैं, टेस्टी भी होती हैं, सेम मार्केट की तरह फ्लेवर है। आप ट्राई कर सकते हैं घर में बना के। और हमने थोड़ा सा बनाए बर्गर, हमने बर्गर भी बनाए थोड़े से घर में ही। और जो सामान था हमने ग्रॉसरी का वो ले आए थे हम बर्गर बनाने के, जो जो यूज़ होता है। अभी मैं बना रही हूँ टिक्की, ये आलू की टिक्की है। मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मिलाए हैं इसमें। आलू की टिक्की बनाने के बाद मैंने जो बन थे उनको हल्का सा फ्राई करा बटर के साथ, और चटनी चटनी भी मैंने घर में बनाई है। चटनी लगा के फटाफट से हमने बर्गर रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं फटाफट से मैं बर्गर बना रही हूँ यहाँ पे। अभी जितने लोग हैं हमारे घर में फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बर्गर बना लिए हैं। और हमने जो है इंजॉय किया मदर्स डे, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं से कुछ भी नहीं आ सकता ना ला सकते हैं। और ये हमारे बर्गर भी बन के रेडी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यम्मी थे। थोड़ा सा हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, घर में केक बनाया है हमने, मेरी सिस्टर ने बनाया है। तो मेरी मम्मी और मैं हूँ, मेरा बेबी है, हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अभी मायके आई हूँ तो अपनी मम्मी के साथ मैं मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। हम कहीं जा नहीं सकते तो घर में तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए अच्छी अच्छी डिश और मेरे साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा सा ब्लॉग को बनाने में लेट हो गया क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट सेलिब्रेट किया था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था आज का, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो आप भी इंजॉय कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फोटोज़ और वीडियो को इंजॉय करें।